रामायण गीता और महाभारत को सिलेबस में डाल दिया वहां के अखबारों में विजन 2023 के तहत, और जो अब लागू हो गया तमाम स्कूलों में, क्या वो रामायण पढ़े, वो गीता पढ़े? कहां हुआ है? सऊदी अरब में, और कहां हुआ? आपके हिजाज में हुआ ना, यही नहीं पता आप लोग को? इन्होंने पाकिस्तानियों की नाक कटवा दी, जो है हर चीज करें जो कि हिंदुइज्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि तुमने अपने बुजुर्गों के दीन की तरफ रवाना होना शुरू कर दिया, बुत परस्ती की तरफ, जहां से तुम्हारे बाप दादे आए थे। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज पाक मीडिया बात करें, या पाकिस्तानी मीडिया में एक बंदा जो पाकिस्तान का एमपी था पर वो फिर इलेक्ट नहीं हो पाया, वो पाकिस्तानी मीडिया में आके रोना धोना करेगी। सऊदी अरब में जो लोग हैं वो अपने देश के स्कूल में रामायण और महाभारत पढ़ाएंगे, तो ये बंदा रोना धोना कर रहा है पाकिस्तानी मीडिया में कि अब अरब हिंदुइज्म में वापस जा रहे हैं और अब अरब देश हिंदू देश बन रहा है। तो पाकिस्तानी मीडिया में जाके ये बंदा ये रोना धोना कर रहा है और सऊदी अरब को बहुत ही खराब चीज़ें कह रहा है ये सब करने के लिए, कह रहा है कि सऊदी अरब में अब लड़कियाँ बिकिनी में घूमती है। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर रोना धोना कर रहा है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करके वीडियो देखते हैं। किसी भी वक्त आप कोई भी खबर सुन सकते हो, और बिल्कुल ना घबराना, क्योंकि ये मिशन नहीं रुकेगा, अल्लाह के घर की आजादी नहीं रुकेगी, शिकस्त वो। लेकिन आपने कैसा देखा, आपको लगा कि इस्माइल हानिया की मौत और शहादत ने सारे लोगों को यकजा किया? सारे लोगों को यकजा किया ना किया, लेकिन खारजी और तकफीरियों को जरूर मंजर आम पे लेके आ गया। ये वही लोग हैं जो तनकीद कर रहे हैं, जिनका आप जिक्र करिए, वही लोग हैं ना जो अभी 6 महीने पहले कन्वेंशन के अंदर जिन्होंने जिहाद के फतवे दिए और एक भी ना गया, फलस्तीन के अंदर इन्होंने पाकिस्तानियों की नाक कटवा दी उस जिहाद में शिरकत ना करके। सुने, हम जिन परस्ती अलाउ कर दी तुम्हारे वली अल्लाह ने सऊदी अरब में, मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारे तो शौक ही यही है। नंबर दो, बिकनी पहना के अपनी खवातीन जो पर्दे में थी उनके कैटवॉक शुरू करा दी, और सितम ज़रीफ़ी देखो, रामायण गीता और महाभारत को सिलेबस में डाल दिया वहां के अखबारों में विजन 2023 के तहत, और जो अब लागू हो गया तमाम स्कूलों में, क्या वो रामायण पढ़े, वो गीता पढ़े? कहां हुआ है? सऊदी अरब में, और कहां हुआ? आपके हिजाज में हुआ ना, यही नहीं पता आप लोग को? अगर ये भी नहीं पता तो फिर क्या पता आप लोग को? क्यों छुपाते हो आप लोग ये चीजें? तो फिर मान जाओ मुसलमानों, तुमने अपने बुजुर्गों के दीन की तरफ रवाना होना शुरू कर दिया, बुत परस्ती की तरफ, जहां से तुम्हारे बाप दादे आए थे। 1400 साल से यही किरदार है यार, हम यहूदियों से लड़े, हम ज़ायूनियों से लड़े, लेकिन साथ में हमें मुसलमानों से भी लड़ना पड़ रहा है, हमें इंतहा पसंद हिंदुओं से भी लड़ना पड़ रहा है। 23,000 अरब बद्दू मुसलमान IDF के अंदर शमूलियत इख्तियार करके गए, 1500 ट्रेनिंग मुकम्मल करके अब बाकायदा IDF फौज का हिस्सा है, बजाय तुम फलस्तीनियों के खड़े होने के तुम IDF की फौज के अंदर खड़े होके खुद इस्लाम वालों से लड़ रहे हो। ये किरदार है तुम लोग के, तुम लोगों ने ये करना, तो फिर खुल के आओ, जाओ जो 54 रुकनी फौज तुमने बनाई है उसको भी लेके आओ, देख लेते हैं इस बार। और अगर तुम लोग बाज ना आए तो ये याद रखना, ये जंग तुम्हारे महलात के अंदर तक आएगी, फिर शिकायत ना करना, और ये होके रहे। ये जो आपने अभी गुफ्तगु की है ये फुल ऑफ एविडेंस है, आपने कहा कि वो नहीं, बिसाइड फॉर ऑल दिस ना, ये तो आपने जारे मतलब कुरान की हदीस निकाल दो और रामायण गीता और महाभारत डाल दो। नहीं मैं ये पूछ बच्चों के सिलेबस में। अब मैं दोबारा से आते कि जैसे हमारे मौलाना अगर वहाँ जाते हैं पाकिस्तान से, बड़े मशहूर मौलाना, तो आपको लगता है कि शेख फैमिली आके उसका इस्तकबाल करेगी वज़ीर आज़म की तरह? उनके हिंदू महाराज का इतना ज़्यादा इस्तकबाल हो रहा है और हिंदुइज़्म को दुबई के अंदर बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, उनको वो समझते हैं कि ये स्पिरिचुअलिटी का काम करती है, हिंदुइज़्म लव का काम कर रही है, डेट्स है उनके लिए मंदिर भी बना रहे, उनके लिए जो है हर चीज़ करें जो कि हिंदुइज़्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आप लॉयर भी है कि दुबई के अंदर जो है ना फ्रीडम जितना मुसलमानों के है उतना ही अब वो हिंदुओं को भी दे रहे हैं, और ये जो प्रोटोकॉल है ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है कि ऐसा प्रोटोकॉल एक महाराज को जो कि इंडिया से है। तो तारीख में तो यही लिखा है, तुम्हारा किरदार साबित कर रहा है कि तुम वाकई अपने बुजुर्गों के दीन की तरफ चल पाओ। हिंदुस्तान इंडिया से हिंदुस्तान जिसे बोलते हैं कि हॉल जो इंडिया का है उसको उसके साथ भी इंगेज कर रहे हैं, द सऊदीज़ आर ऑल्सो इंगेजिंग। सो अमारातीज़ तो कर रहे हैं लेकिन सऊदीज़ भी इस हवाले से कर रहे हैं, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहते हैं, और दोनों के दोनों बहुत सारी सिविलियन और डिफेंस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं। सो सऊदी अरेबियन मिलिट्री इंडस्ट्रीज़, अमारातीज़,
ये सारे के सारे लगे। ये जो उनके महाराज आए हैं उनको उन्होंने वेलकम किया है, उन हमें वो शायद हमारे वजीर आजम को भी ना करें, ठीक है, क्योंकि हमारा काम सिर्फ मांगना है। अच्छा। अगर हम सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हमारे हाई ऑफिशियल से लेके लो बिलो द बेड तक, वो हर बंदा उसका एजेंडा ही है कि हमें कहीं ना कहीं बगैर कुछ किए हुए कुछ मिल जाए। और जो आपने बात की ये अच्छी बात है कि हाँ ये हकीकत है और ये एक बिटर रियलिटी है कि वो उधर दुबई में मंदिर बन रहे हैं। आप दुबई की बात करते हैं, यहाँ तो क्लब्स और मंदिर जो हमारा जो मेन स्ट्रीमिंग हमारा मेन सिटी है जिसके लिए हम कोशा रहते हैं, जो सऊदी है वहाँ पर चेंज कर रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने ये पॉलिसी अख्तियार कर ली हुई हैं। बेसिकली ये जो रिलीजियस बेस पे नहीं है, ये बेसिकली सारे का सारा एक जो एलिमेंट है ना वो एक बिजनेस, ये बिजनेस डील है। चलिए दोस्तों इस वीडियो बात करते हैं। तो पाकिस्तान जिस देश से पैसा लेता है सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान चाहता है कि वो पाकिस्तानी मर्जी से चले। सऊदी अरब अपने टेक्स्ट बुक में क्या पढ़ाना चाहता है ये सऊदी अरब की मर्जी है, क्योंकि ये उनका देश है, पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। और वैसे पाकिस्तान जैसे मैंने कहा उनसे भीख लेता है, ऐसा नहीं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान से उनका कोई रिश्ता नहीं या सऊदी अरब से पाकिस्तान कुछ लेता नहीं, सऊदी अरब से पाकिस्तान पैसा लेता है और उसके बावजूद वो सऊदी अरब को धमकियाँ दे रहा है या सऊदी अरब के ऊपर चिल्ला रहा है कि सऊदी अरब अपने टेक्स्ट बुक में रामायण या महाभारत क्यों पढ़ा रहा है। ये सऊदी अरब का बिजनेस है, ये पाकिस्तान का कोई लेना देना है नहीं इससे। और सऊदी अरब ये जो उनके रिलीजन पे जो स्टडी होती है उसके रिलेटेड ये चीज़ें कर रहा है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसका कोई रिश्ता नहीं है। रिलीजन पे अगर आपको पढ़ना है तो आपको दूसरे रिलीजन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ होती नहीं तो पाकिस्तान में इसके बारे में समझ नहीं है। और सऊदी अरब की लड़कियाँ क्या पहनती है वो भी सऊदी अरब का मामला है, पाकिस्तान को लेना देना नहीं है। पाकिस्तान अपने देश में जो मर्जी करे उससे ना सऊदी अरब का लेना देना है ना किसी और देश का। वैसे ही सऊदी अरब में अगर कुछ होता है वो सऊदी अरब का मामला है ना कि पाकिस्तान का। और पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये, पाकिस्तान चाहता है कि दुनिया उनकी मर्जी से चले। पाकिस्तान में जैसे उन्होंने हरकतें की है वैसी हरकतें दुनिया उनके देश में करे, पाकिस्तान यही चाहता है। जबकि पाकिस्तान दुनिया से भीख पे जिंदा है, दुनिया के भीख पे जिंदा है। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँ कि सऊदी अरब में क्या होता है, सऊदी अरब का प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान, पाकिस्तान को अपने देश में देखना चाहिए। वैसे ही पाकिस्तान की जो हालत है, पाकिस्तान की तो ये भी औकात नहीं कि केन्या या अफ्रीका के सबसे नीचे देश के बारे में कुछ भी बोले। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे यहाँ सब्सक्राइब करना मालूम भूलेगा। थैंक यू वेरी मच।